नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से सामने आ रही है। चुनाव में बीजेपी का डिजिटल प्रचार पर फोकस होगा। एमपी में 500 से ज्यादा डिजिटल सभाएं बीजेपी की ओर से की जाएंगी। डिजिटल सभाओं में केंद्रीय मंत्रियों का संबोधन भी होना है। पार्टी दफ्तर से बैठकर लाइव भाषण केंद्रीय मंत्री यहां पर देते हुए नजर आएंगे। प्रचार के लिए रील्स और मीम का भी बीजेपी सहारा लेगी, यूज करेगी। आचार संहिता के बाद डिजिटल सभाओं का दौर शुरू होगा। तो पार्टी दफ्तर से जो मंत्री हैं वो लाइव भाषण देंगे। प्रचार के लिए रील्स और मीम का भी सहारा लिया जाएगा। चलिए अतुल शर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अतुल, एक नया दांव बीजेपी की ओर से खेला गया है और जब आचार संहिता लग जाएगा उसके बाद किस तरीके से अब चुनाव प्रचार किया जाए उसे लेकर एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई गई है। देखिए, बिल्कुल, बीजेपी इस समय तमाम तरीके की तैयारियों में जुटी हुई है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक पूरी तरीके से प्रचार प्रसार की एक रणनीति तैयार की है, पूरा एक खाका तैयार किया है। इसमें सोशल मीडिया का अहम रोल बीजेपी के प्रचार में रहेगा। इसमें जो है डिजिटल सभा कराने की तैयारी बीजेपी के तमाम नेताओं ने कर ली है। लगभग 500 से ज्यादा ये डिजिटल सभाएं होंगी जिसमें कई बड़े चेहरा नजर आएंगे जो डिजिटल तरीके से सभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूथ का एक अलग ही सोशल मीडिया से अब जुड़ाव हो चुका है जिसमें रील और मीम्स और तमाम तरह की चीजें खुद युवा वोटर्स भी अपना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसी चीज को भांपते हुए बीजेपी भी रील और मीम्स और तमाम तरह की सोशल मीडिया पे सहारा लेने जा रही है। देखिए, आचार संहिता कभी भी लग सकती है और आचार संहिता लगने के बाद इस तरीके की सभाओं को, डिजिटल सभाओं को बीजेपी तैयार करने जा रही है। इसको लेकर पूरी एक रणनीति तैयार कर ली है। देखिए, मतलब स्पष्ट है कि सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि एक बड़ा तबका जो है अपना अधिकतम ज्यादा से ज्यादा समय गुजार रहा है जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, तमाम तरीके की जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे लोगों को जोड़ने के लिए जमीनी स्तर के साथ साथ सोशल मीडिया का भी बीजेपी सहारा लेगी। और देखिए, डिजिटल जिस तरीके से सभा की हम बात कर रहे हैं, एक अपने आप में एक बड़ा यूनिक तरीके का ये प्रचार प्रसार होगा और बीजेपी तमाम एक कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार सरकार की योजनाओं के साथ साथ विपक्ष पे हमला बोलना, तमाम ये चीजें जो है कहीं ना कहीं चुनाव के पहले तैयार की जाए, उसको लेके ही पूरा एक खाका तैयार किया जा चुका है। देखिए, इस चीज को लेकर एक बात ये भी समझ में आ रही है कि तमाम क्योंकि बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि जमीनी स्तर पर, यानी कि अगर हम देखें तो जिस तरीके डोर टू डोर प्रचार और तमाम जो दूसरी जो प्रचार है उसका एक तरीका अब चुनाव के बदलते समय के साथ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और सोशल मीडिया इस समय लोगों के पहुंच में है और बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि ज्यादा से ज्यादा और कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है तो सोशल मीडिया का सहारा बीजेपी को लेना होगा। और बाखूबी हम देख भी रहे हैं कि पहले से ही बीजेपी ने इन तरीके को अपनाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब डिजिटल जो प्रचार शुरू हुआ होगा, डिजिटल तरीके से सभाओं का जो आयोजित की जाएगी उसमें केंद्रीय नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री के साथ तमाम बड़े जब चेहरे दिखाई देंगे, सभा को संबोधित करेंगे, तो अपने आप में एक बड़ा जो है बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक मान के चला जा रहा है क्योंकि ज्यादा से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बीजेपी। बिल्कुल अतुल, और देखना यही होगा कि अब जो ये स्ट्रेटजी बीजेपी की ओर से अपनाई जाएगी इसका कितना प्रभाव विधानसभा चुनाव पर पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।